हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के पाल्स ब्लॉग। दोस्तों, आज के हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने हमारी जो पिछली वीडियो जो आपने देखी थी, वो वीडियो थी दोस्तों स्टेप वन की अपना बिजनेस सीरीज की। दोस्तों, अपना बिजनेस सीरीज की जो स्टेप वन की वीडियो थी, उसमें हमने ना आपको बताया था कि सोल है ना मतलब कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी क्वालिटी के होते हैं। दोस्तों, हमने बताया था आपको एक एयरमैक्स सोल होता है, पीयू सोल होता है, टीपीआर सोल होता है और पीवीसी सोल होता है। और हर एक की है ना जो प्राइसिंग है वो अलग अलग होती है, क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग होती है। दोस्तों, उसमें भी जैसे क्या है कि जो पीयू सोल होता है और एयरमैक्स सोल होता है, उसमें भी अलग अलग क्वालिटी होती है। वो जैसे क्या होता है, वो कहते हैं ना देसी भाषा में, कितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। दोस्तों, जैसे ना अब ये नेक्स्ट लेवल की वीडियो दोस्तों, जिसमें क्या है कि हम है ना आपको बताएंगे कि मॉडल कैसे तैयार करवाया जाता है। तो जैसे ना आपने ना कोई है ना शूज़ है ना आपने परचेज कर लिया दोस्तों, कि आपको है ना बहुत पसंद आ रहा है, तो आपने वो शूज़ परचेज कर लिया, तो उसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट रहती है दोस्तों सोल की। जैसे ना आपको है ना सोल भी परचेज करना पड़ेगा और उसी टाइप का सोल है ना परचेज करना पड़ेगा, या तो सेम वही होना चाहिए। तो वो सोल परचेज करने के बाद है ना आपको क्या करना होगा कि वो सोल है ना उस मॉडल जो शूज के जो पैर होता है उसके साथ में है ना आपको है ना ये उस फर्मे वाले को देना होगा। यहाँ से है ना आप है ना अपना है ना मॉडल तैयार करवाना चाहते हैं। जैसे ना आपने है ना वो पैर जैसे ना सोल भी ले लिया दोस्तों, जैसे आपको है ना कोई सोल पसंद आ गया उसी टाइप का और सेम आपको मिल गया, तो है ना आपको जो पसंद आ गया तो वो है ना आप है ना सोल और उस पैर को है ना आपको है ना फर्मे वाले को दे के आना होगा। तो वो है ना एक है ना फर्मा तैयार करके देगा, जिसे है ना मॉडल कह देते हैं दोस्तों हम। जैसे ना इस प्रकार का है ना एक मॉडल तैयार करके देगा आपको। तो है ना ये जो मॉडल होता है दोस्तों, इसके ना रेट है ना वेरी करती है कि है ना आप कहाँ से बनवा रहे हैं और किससे बनवा रहे हैं। जैसे आगरा में तो है ना कई दुकानें हैं फर्मे वालों की या मॉडल बनाने वालों की, तो यहाँ पर क्या है कि रेट कम होगा। और जैसे ना कई अदर स्टेट में ना क्या होता है कि एक दो दुकानें होती हैं, तो वो अपने मनमाने प्राइस पे ना वो है ना वो चीज़ें बनाते हैं। तो जैसे ना आपने ना कहीं से भी आप मॉडल बनवाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन कारीगर अच्छा होना चाहिए। और जैसे ना क्या होता है कि आपने मॉडल तैयार करवाया दोस्तों, एक बारी में तो फिट आएगा नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ना आप है ना उसमें ना कोई है ना पैर तैयार करते हैं, तो वो पैर है ना अगर इससे सेम मेल खाता है तो वो मॉडल ओके है दोस्तों। अगर नहीं मेल खाता है तो आपको है ना क्या हुआ उसमें ना जो कमी होगी वो ठीक करवानी होगी। जैसे ना कहीं से उठान कम है या उठान ज़्यादा है, मोटा है, कहीं से मतलब ठीक नहीं है जैसे घिसवाना या मोटाई को कम करवाना, तो कई कई समस्याएं आ जाती हैं मॉडल तैयार करवाने में। तो है ना ये दिक्कतें दूर करने के बाद फिर आप जो है ना पैर बनाएंगे, फिर इससे है ना मिलाकर देखेंगे कि मतलब सही मेल खाता है नहीं खाता। मेल खा गया दोस्तों, ओके आपका मॉडल तैयार हो गया दोस्तों। और इसके बाद हम जो आपको है ना बताएंगे वो है डिज़ाइनिंग के बारे में, कि डिज़ाइनिंग आप है ना कहाँ से कैसे करवा सकते हैं और किस प्रकार की डिज़ाइनिंग इन पर होती है। तो वो दोस्तों वो वीडियो होगी अपने नेक्स्ट लेवल की और अगले स्टेप में हम है ना आपको बताएंगे दोस्तों। तो ये हमारी वीडियो थी दोस्तों शूज़ के मॉडल की, और आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।